नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल फ्रेड में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान शिव के पवित्र स्थान मणिमहेश के बारे में। मणिमहेश हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मणिमहेश चंबा से तकरीबन 85 किलोमीटर की दूरी पर है। मणिमहेश के अलावा भगवान शिव के चार और कैलाश मौजूद हैं, जिसमें थौरगढ़ उत्तराखंड में, नंबर दो श्रीखंड कैलाश कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, नंबर तीन किन्नर कैलाश किन्नौर पर्वत हिमाचल प्रदेश में, नंबर चार तिब्बत में, और नंबर पाँच मणिमहेश। दोस्तों, मणिमहेश को लेकर अलग अलग धारणाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि मणिमहेश वो जगह है जिसमें भगवान शिव ने सालों साल तपस्या की है, और इस स्थान को माता गिरजा के रूप में भी जाना जाता है। और कहते हैं कि भगवान शिव ने पार्वती देवी से शादी करने के बाद इस कैलाश की रचना की थी, और इस चोटी का ऊपरी हिस्सा जो है हमेशा बादलों से ढका रहता है, और वही इस चोटी के दर्शन कर पाता है जो सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव को याद करता है। कहते हैं कि मणिमहेश की यात्रा आरंभ करने से पहले यात्री ब्रह्मचारिणी और 84 जोगिनी मंदिर की पूजा करते हैं, और उसके बाद मणिमहेश की यात्रा आरंभ करते हैं। 84 जोगिनी मंदिर को चौरसिया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम इस मंदिर के परिसर में स्थित 84 छोटे छोटे मंदिरों के आधार पर रखा गया है। कहते हैं कि 84 जोगियों ने ब्रह्मपुर के राजा साहिल वर्मन को 10 पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान दिया था। उन्हीं 84 जोगियों की याद में इस मंदिर का निर्माण राजा ब्रह्मन ने करवाया था। स्थानीय लोगों के अनुसार कैलाश उनकी कई आपदाओं से रक्षा करता है, इसीलिए स्थानीय लोगों में कैलाश के प्रति काफ़ी श्रद्धा और विश्वास है। यात्रा शुरू होने से पहले गद्दी वाले अपनी भेड़ों के साथ पहाड़ों पर जाते हैं और रास्ता साफ करते हैं, ताकि आने वाले यात्रियों को कोई भी कष्ट ना हो। कैलाश पर्वत के नीचे एक बड़ा सा मैदान है, जिसको भगवान शिव के क्रीड़ा स्थान के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यहीं भगवान शिव और देवी पार्वती क्रीड़ा करते थे। वहीं झील के कुछ पीछे जल के दो स्रोत हैं, जिसको शिवक्रोत्री और गौरीकुंड के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि जब आधी रात को मौसम साफ होता है तो कैलाश पर्वत पर एक तेज प्रकाश वाली रोशनी दिखाई देती है, और मान्यता ये भी है कि भगवान शिव शेष नागमणि के रूप में दर्शन देते हैं, और जब सुबह सूरज की किरणें कैलाश पर्वत पर पड़ती हैं तो पूरा पर्वत सोने की तरह दिखाई देता है, मानो कि सारा पर्वत सोने से बना हुआ हो। मणिमहेश 3950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी चढ़ाई पहाड़ी रास्ता होने के कारण थोड़ी कठिन है, और दिन में तकरीबन 5 से 6 घंटे ही चढ़ाई संभव हो पाती है। मणिमहेश की यात्रा कम से कम 7 दिनों की है। मणिमहेश की यात्रा जुलाई और अगस्त में, इस दौरान मणिमहेश पर्वत पर हजारों यात्री आते हैं। इस समय जहाँ पर 7 दिनों तक चलने वाले मेले का आयोजन भी किया जाता है, जो अष्टमी के दिन समाप्त होता है। जिस दिन जय मेला समाप्त होता है, उस दिन भरमौर के प्रधान पुजारी मणिमहेश दल के लिए यात्रा प्रारंभ करते हैं। ऐसे और भी कई कथन हैं जिनका वर्णन एक वीडियो में संभव नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जगह को लेकर। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।